पीरियड्स खत्म होने के बाद भी मुझे ब्लीडिंग हो रही है। कुछ दिन बाद ये ब्लीडिंग फिर से आ जाती है। क्या ये ब्लीडिंग नॉर्मल है? क्या मुझे इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है? आइए आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। ये ब्लीडिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे हम ओवुलेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ओवुलेशन ब्लीडिंग माने जो ब्लीडिंग ओवुलेशन के समय पर हो रही है। ओवुलेशन क्या है? पीरियड्स के लगभग 12th टू 14th डे यानी 12वें या 14वें दिन के आसपास ओवरीज में से एक फॉलिकल बड़ा होता है। जब वो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से एग रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। कई फीमेल्स में ओवुलेशन के टाइम पर स्माइल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखी जाती है। ये लगभग 3-5% फीमेल्स में होती है, सब में नहीं होती। यानी कि हम 100 में से देखें तो केवल 3 या 5 महिलाओं में ये ब्लीडिंग देखी जाती है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल लाइट पिंक कलर की होती है, जो कि ओवुलेशन के दौरान जो सर्वाइकल, जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, सर्वाइकल म्यूकस में मिक्स्ड होती है और ये पिंकिश सर्वाइकल डिस्चार्ज में मिक्स्ड कलर की ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है ये ब्लीडिंग? ये ब्लीडिंग क्या होता है कि जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो ये ब्लीडिंग जो है, हार्मोन लेवल्स जब भी चेंज होते हैं, जब भी हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ड्रॉप करता है, तो ये ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि 21 दिन वाली दवाइयाँ खा रही हैं, उनके अंदर ये ब्लीडिंग बहुत कॉमनली हो सकती है, क्योंकि हार्मोन चेंजेस होते हैं। जब ये हार्मोन चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है, तो इसको हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। ये लगभग 2-3 साइकल्स, 2-3 महीने जब हम ओसी पिल्स शुरू करते हैं तब रहती है और उसके बाद फिर सेटल हो जाती है। ओवुलेशन ब्लीडिंग को हमें जानने के लिए, ये लगभग मिड साइकिल होती है, अपने आप से बंद हो जाती है और इसके लिए हमें किसी स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो ओवुलेशन ब्लीडिंग ही है? हमारा शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है जिससे हमें पता चलता है कि ओवुलेशन कब होने वाली है। जैसे कि थोड़ा सा शरीर गर्म लगना, जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी का बेसल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, या वेजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा जो है वो बहुत ही स्टिकी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज इस समय होता है। कई लोगों को जब ओवुलेशन होने वाली होती है तो पेट के एक साइड में दर्द महसूस होता है, थोड़ा सा ब्रेस्ट में टेंडरनेस या हैवीनेस महसूस होती है, या इस टाइम पर हमारा जो एक हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, उसके लेवल्स बड़े होते हैं, जिसको जांचने के लिए बहुत सारी किट्स भी होती हैं मार्केट में अवेलेबल, उनसे भी हम जान सकते हैं कि ओवुलेशन होने वाली है। कई महिलाओं को इस समय पर बहुत ब्लोटिंग सेंसेशन भी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, अगर हम ये साइंस को ध्यान से नोट करें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कब ओवुलेशन होने वाली है। अब बहुत कॉमन एक क्वेश्चन पेशेंट्स आकर पूछते हैं, ओवुलेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या अंतर है? देखिए, ओवुलेशन ब्लीडिंग तो वो हुई जो मिड साइकिल में हुई, पीरियड्स के बिल्कुल साइकिल के मिडल में हुई। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी, मैं कहूँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो होती है ओवुलेशन के लगभग 6-7 दिन के बाद। यानी कि ये ब्लीडिंग, मैं कहूँ, हमारी साइकिल शुरू होने के लगभग 20-22 दिन तक होगी, या हमारे नेक्स्ट साइकिल से 6-7 दिन पहले शुरू होगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो होती है कि जैसे हमारा एम्ब्रियो है वो यूट्रस की इनर लेयर या दीवार पर जाकर चिपकता है, तो वहाँ पर एक वो गड्ढा सा बना देता है। जब वो गड्ढा बनाता है तो वो गड्ढे के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है, ये इसमें और ओवुलेशन ब्लीडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नेक्स्ट पीरियड्स आने से पहले होगी, ये मिड साइकिल में होती है, इसके अंदर थोड़ा पिंकिश डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर हमारा थोड़ा रेडिश या ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ हमें 1-2 दिन बाद अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट। दोनों में हालांकि किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें नहीं होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसके अंदर हमें बाकी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी मिलते हैं, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग होना, पेट में हल्का सा दर्द रहना,
ये सारे जो हमें जितने भी प्रेगनेंसी के फीचर्स हैं वो हमें इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग के समय हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह हम दोनों ओवुलेशन ब्रीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग से घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए कि किस तरह की ब्रीडिंग है, हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है, और किस तरह हम आगे प्रेगनेंसी के लिए मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।